खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा समय समय पर उचित मूल्य की दुकानों, थोक गोदामों और कारखानों की इंस्पेक्शन की जाती है। इसी कड़ी में पिछले 3 माह में विभाग की टीम ने 365 उचित मूल्य की दुकानों और 43 थोक गोदामों की इंस्पेक्शन कर व्यवस्था को जांचा। विभाग द्वारा इंस्पेक्टर्स और FSO को टारगेट दिया जाता है, उसी के तहत समय समय पर जिला में चल रही विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों व थोक गोदामों का निरीक्षण किया जाता है। यही नहीं, घरेलू गैस के कमर्शियल यूज पर भी विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। विभागीय जानकारी के अनुसार जून माह में जिला कांगड़ा की टीम के द्वारा 86 उचित मूल्यों की दुकानों और 11 थोक गोदामों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 6 चलान गार्बेज एक्ट में किए गए, जिनसे 3,000 रुपये का चलान और LPG में भी चलान हुए हैं। उसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 2500 रुपये जुर्माना किया गया। जुलाई माह में 122 उचित मूल्यों की दुकानों, 15 थोक गोदामों और 1 मिल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खामियां पाए जाने पर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया। इसके साथ ही पूर्व में उचित मूल्य की दुकानों में पाई गई खामियों पर भी कार्रवाई करते हुए 22,654 रुपयों की सिक्योरिटी फोरफिट की गई। इसके अलावा 12 क्विंटल चावल, 10 क्विंटल आटा और 80 किलो सब्जियां कानून की अवहेलना करने पर सीज की गई, जिन पर 27,000 रुपये का जुर्माना करके संबंधित कलेक्टर द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाया गया। जिला कांगड़ा के खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेश धीमान ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा इंस्पेक्टर्स FSO को जो टारगेट दिया जाता है और DFSC को जो मासिक टारगेट है, उसी के आधार पर इंस्पेक्शन की जाती है, जिसके तहत उचित मूल्य की दुकानों, थोक गोदाम, गैस एजेंसी और अन्य दुकानों की चेकिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 माह में 365 उचित मूल्यों की दुकानों और 43 थोक गोदामों का निरीक्षण किया गया। जहां अनियमितताएं पाई गई, वहां कार्रवाई भी अमल में लाई गई। नमस्कार। विभाग द्वारा हर महीने की भांति जैसे टारगेट दिया गया है इंस्पेक्टर्स को, FSO को और DFSC का जो मंथली टारगेट है, उसी हिसाब से इंस्पेक्शन किए जाते हैं। उनमें उचित मूल्य की दुकानें भी हैं, थोक गोदाम भी हैं, गैस एजेंसीज भी हैं और दूसरी दुकानें भी हैं। तो पिछले 3 महीने की अगर बात की जाए तो जून महीने में डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स और सारे स्टाफ ने, जो फील्ड स्टाफ है, 86 उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया और 11 थोक गोदामों का निरीक्षण किया। इस दौरान 6 चालान जो हैं वो गार्बेज एक्ट में भी किए गए, जिसमें 3,000 रुपये फाइन किया गया और LPG में जो पिछला चालान हुआ था उसमें 2500 रुपये फाइन भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स द्वारा किया गया है। इसके अलावा जुलाई महीने में भी इसी तरह 122 उचित मूल्य की दुकानें और 15 थोक गोदामों के साथ साथ 1 मिल का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान जो खामियां पाई गई उनको नोटिस दिए गए और जो पूर्व में नोटिस दिए गए थे उनमें कार्रवाई करते हुए विभिन्न उचित मूल्य की दुकानें जहां कमियां पाई गई थी 22,654 रुपये की सिक्योरिटी फॉरफिट करी गई। और इसके अलावा 12 क्विंटल चावल, 10 क्विंटल आटा और 80 किलो सब्जियां जो थी वो इन कानूनों की अवहेलना करने पर सीज की थी, जिसका जो संबंधित कलेक्टर हैं उन द्वारा फाइन करके जो आटा और ये चावल था इसका 27,000 रुपये जो सरकारी कोष में जमा भी करवा दिया गया है। और गार्बेज में 7 चालान किए गए थे, लगभग 3500 रुपये कलेक्ट किया गया था। और 4 सिलेंडर भी इस दौरान जो थे, जिनका घरेलू सिलेंडर्स का कमर्शियल उपयोग हो रहा था, वो भी सीज किए गए, जिन पर कार्रवाई जो है संबंधित SDM के कोर्ट में चली हुई है। इसके अलावा अगस्त महीने में भी उचित मूल्य की 157 दुकानें और 17 थोक गोदामों के अतिरिक्त 2 मिलों का निरीक्षण किया गया और उचित मूल्य की दुकानों से 8,000 रुपये की सिक्योरिटी जो है वो फॉरफिट की गई और 12 चालान गार्बेज में करके 6,000 के लगभग जो है उनको उनसे फाइन रिकवर किया गया। नहीं, ऐसा है, ये तो जो सामान्य निरीक्षण किए जाते हैं उसके हिसाब से जो कमियाँ पाई जाती है उसके यहीं से DFSC ऑफिस से ही नोटिस जाते हैं और यहीं से कार्रवाई की जाती है। अगर कोई बड़ा मेजर इशू हो, FIR की ज़रूरत पड़े, तब जाके वो मामला जो है कोर्ट में जाता है।